नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। एडब्ल्यू पेज मेकर 7.0 के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे मैं यहाँ से न्यू पेज एक ले लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और यहाँ से इसको नीचे कर लेता हूँ। और हम लोग सीखने वाले हैं व्यू में था प्लगइन इन में आपको सो लाइब्रेरी, यहाँ आपको मैंने बता दिया था सो लाइब्रेरी। यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, सो लाइब्रेरी पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे सो लाइब्रेरी पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक सो किया, यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी हमको एक जनरेट करना है। तो ठीक है, उसके लिए मैं आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कुछ टाइप कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने टाइप कर लिया नेम मोबाइल नंबर, और यहाँ पर किसी का नाम भी टाइप करके उनका मोबाइल नंबर ऐड कर लेता हूँ, और किसी को नाम टाइप करके मोबाइल नंबर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर ऐड कर लिया। अब मैंने इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं जाऊँगा सो लाइब्रेरी में, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर एक न्यू लाइब्रेरी, और यहाँ पर न्यू लाइब्रेरी के नाम से माई लाइब्रेरी के नाम से लिख देते हैं गौरव लाइब्रेरी। गौरव लाइब्रेरी के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देते हैं। प्लस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे इसमें लिखेंगे नेम, और इसमें लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी आपको शो होने लगा। यहाँ पे राइट क्लिक करके लाइब्रेरी को आपको डिस्प्ले इमेज में देखना चाहते हैं, नेम में देखना चाहते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, फिर क्लिक करके कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। सिर्फ आपको देखने के लिए इसको है। यहाँ पर भी इसका ऑप्शन आता है ओपन लाइब्रेरी, आप जो सेव किए थे वहाँ से ओपन कर सकते हैं लाइब्रेरी। डिस्प्ले इमेज यहाँ पर फिर आप कर सकते हैं। क्लोज लाइब्रेरी सर्च रिमूव, अब जैसे आप इसमें काम कर सकते हैं। सिर्फ आपको देखने के लिए व्यू आपको इसमें आपको मिलता है, और कोई इसका कोई काम है नहीं। रिमूव कर देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, उसके बाद शो स्क्रिप्ट, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इसका काम क्या है, जैसे आप बार बार एक चीज़ को आपको, जैसे आप या जैसे कोई आप बुक छाप रहे हैं, कोई प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो आप नाम देना चाहते हैं ऑथर का नाम, इसमें आपको लेखक का नाम, तो इसमें बार बार आपको क्या करना पड़ता होगा, लिखना पड़ता होगा हर पेज में। तो आप लिख नहीं सकते हैं डायरेक्ट उसमें, आप ऐसे आप उसमें दे सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, जैसे हम प्रिंटिंग में ही जाते हैं, और प्रिंटिंग में जाने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका जो विंडो है जो 64 बिट में है, और ये आपको 32 बिट में सपोर्ट करता है, इसलिए इसमें आपको काम नहीं करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करके न्यू स्क्रिप्ट आप लिख के यहाँ पर आप एक तरह से आप सेव यहाँ पर लिख दीजिए और सेव कर दीजिए कि मैंने गौरव कंप्यूटर ज्ञान के नाम से, ये आपको कुछ ऑथर का नाम है, स्क्रिप्ट का नाम है, इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। इससे क्या हुआ आपको होगा कि बार बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ से स्क्रिप्ट को रिमूव भी कर सकते हैं, रिप्लाई भी करके मैं आपको दिखला देता, लेकिन ये 64 बिट है, 86 बिट में काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, शो पिक्चर। यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसमें से पिक्चर लाएंगे, तो हम यहाँ पर क्लिक करके ऐड पिक्चर में क्लिक कर देते हैं। और मैं पिक्चर को ऐड कर रहा हूँ, मेरे पास कोई पिक्चर तो मुश्किल से ही रहता है। चलिए एक पिक्चर को मैंने ऐड कर लिया, और यहाँ पर ऐसे क्लिक करके हम ला कर छोड़ सकते हैं। यस पर क्लिक कर दीजिए कि फर्स्ट पेज बड़ा है, तो इसको मैं छोटा करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर इसको प्लस तो करता हूँ, इस तरह से यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट करा सकते हैं। ये सब नहीं इंसर्ट करा सकते हैं क्योंकि इंस्टॉल करते समय इसको मैंने टिक नहीं लगाया थे पिक्चर के, इसलिए इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। लेकिन आप ऐड यहाँ से करवा सकते हैं, पिक्चर को भी डिलीट भी कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा, देखिए पिक्चर यहाँ से हट गया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, शो टेम्पलेट पैनल। इस पर क्लिक करेंगे, आप चाहते हैं कि आप खुद को बनाया हुआ टेम्पलेट पर एडिट करके कुछ लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इतना सारे टेम्पलेट है, आप चाहते हैं खुद का आप मतलब खुद इसमें बना के उस वो दिए हुए हैं, इसी में कुछ आप चेंजिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपका पसंद है उस पर डबल क्लिक कीजिएगा। यहाँ से फॉन्ट आपको मिसिंग कह रही, जो फॉन्ट में लिखा हुआ फॉन्ट में नहीं है, इसमें से कोई फॉन्ट आपको चूज करना पड़ेगा, ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो देखिएगा ये आपको डॉक्यूमेंट आ गया है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट आ गया, और इसमें से कोई भी चेंजिंग वेंजिंग आप जो भी करना चाहते हैं करके आप इसको लिख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा ऑप्शन को कंप्लीट हो गया है टोटल। अब ये सब हेल्प रजिस्ट्रेशन अबाउट ये सब हेल्प के लिए है, तो मैंने पेज मेकर का पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया दोस्तों। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।